हमको ये बात समझ आ गया है, ये बात जात का नहीं, बात औरत जात का है। सबसे पहले ये देखिए ये लुक और ये इधर मैम का। भोजपुरी को जरूरत है ऐसे पिक्चर की। ये वाला लुक आप पहली बार जब गेटअप जब तैयार हुए, पहली बार आईना में देखे तो क्या लगा कि ये हम सच में भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं? कौन से ग्रंथ में लिखा है? अरे लिखा है तभी तो कह रहे हैं। इस लुक में मैंने खुद को देखा तो मुझे लगा कि मैं कुछ अलग करूँ। यही तो समस्या है, ये धर्म के ठेकेदार जो कह दिए वो हम मान लेते हैं। पर ये किरदार सारे पिक्चरों का हिस्सा नहीं हो सकता, ये सिर्फ जया है और जया सिर्फ माही है और माही सिर्फ जया। औरत शमशान घाट पर क्यों नहीं जाती है? जिस बाप का कोई संतान नहीं उसकी बेटी हो, क्या उसके बाप को जलने का अधिकार नहीं? क्यों कोई और इंसान उसके उसको मुखाग्नि देता है, क्यों उसकी बेटी नहीं दे सकती? भोजपुरी इतिहास में एक अलग पहचान दिलाने वाली फिल्म रिलीज हो चुका है, आज प्रीमियर था। देखिए हमारे साथ माही श्रीवास्तव जो भोजपुरी एल्बम में काफ़ी कमाल करके और ये धमाल इधर मचा रही है। सबसे पहले ये देखिए ये लुक और ये इधर मैम का देखिए, इसमें और इसमें आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से भोजपुरी में ये फिल्म बनाई गई है। सबसे पहले मैम स्वागत। थैंक यू सो मच मेहंदी न्यूज़ का, थैंक यू सो मच आपका कि आप यहाँ आए। मैम हमने फिल्म देखी, आधे घंटे लेट पहुंचे लेकिन जब हमने फिल्म देखी तो उठने का मन नहीं कर रहा था। शायद भोजपुरी में मुझे लगता है पहली ऐसी फिल्म है और साफ सुथरी जो दूसरी जोन वाली फिल्म आती है, दूसरी जोन वाली जो भोजपुरी की पहचान है उससे हटके लगता है कि किसी साउथ से कंपेयर किया जाए तो वो भी कम है। क्या कहेंगे इतनी बड़ी फिल्म लेकर आए? ये भोजपुरी को ज़रूरत है ऐसे पिक्चर की और ये सिनेमा करने में जितनी शिद्दत हम लोगों ने लगाई थी वो आप लोग ट्रेलर को इतना प्यार देकर साबित कर रहे हैं कि सच में भोजपुरी ऑडियंस ये सिनेमा देखना चाहती है, ऐसे सिनेमा देखना चाहती है। देखिए आप जनता मनोरंजन की भूखी है, जनता को आप जो देंगे वो खाएगी, वो जब भूख लगी होती है तो वो हर चीज़ खाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें एक बेहतर पिक्चर देने की ज़रूरत है, वो देखेंगे, वो प्यार आशीर्वाद देंगे, इसलिए हम ये इसी विश्वास से हम ये पिक्चर लेकर आए हैं। माही श्रीवास्तव को हमने हमेशा एंटरटेनमेंट में देखी है, जो इस फिल्म में हमने कैरेक्टर आपको देखा है वो कैरेक्टर का जो लुक वाइज वो साफ पूरा अलग। पहली बार जब ये लुक देखे, इधर हम दिखाएंगे ये वाला लुक, अब पहली बार जब गेटअप जब तैयार हुए, पहली बार आईना में देखे तो क्या लगा कि ये हम सच में भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगा कि मैं भोजपुरी फिल्म कर रही हूँ क्योंकि पर मैं जब इस लुक में मैंने खुद को देखा तो मुझे लगा कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ, क्योंकि देखिए पाउडर क्रीम लिपस्टिक्स सारे पिक्चर का हिस्सा है पर ये किरदार सारे पिक्चरों का हिस्सा नहीं हो सकता, ये सिर्फ जया है और जया सिर्फ माही है और माही सिर्फ जया है। इस फिल्म में क्या कुछ कहानियाँ हैं अलग है जो लोगों को प्रेरित करेगी? देखिए मैं कहानी नहीं बताऊँगी, कहानी आप बताएँगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को आप ये बताएं कि जया आप देखने जाइए। पर ये थोड़ी सी वन लाइनर मैं बताऊंगी कि ये थोड़ी नीची कास्ट की वर्ग की कहानी है, दलित की बेटी हूँ मैं, डोम की बेटी जो घाट पर दाह संस्कार कराते हैं। पर उसमें मुद्दा ये नहीं है कि मैं जात पर डिस्कशन है, मुद्दा ये है कि औरत शमशान घाट पर क्यों नहीं जाती है। जिस बाप का कोई संतान नहीं उसकी बेटी हो, क्या उसके बाप को जलने का अधिकार नहीं? क्यों कोई और इंसान उसके उसको मुखाग्नि देता है, क्यों उसकी बेटी नहीं दे सकती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात कहीं लिखी नहीं गई है कि बेटी शमशान घाट पर नहीं जाएगी, ये बात हमने बनाई है मिथा, ये बात हमके देखिए एक कहीं मैंने सुना है कि प्रथा का पुराना होना नहीं प्रथा का सही होना ज़रूरी है। तो ये प्रथा को सही करने की कोशिश है कि जो लोग ये मिथा बना कर रखे हैं कि लड़कियाँ नहीं जाएंगी शमशान घाट पर, क्यों का जवाब जनता को देना है इस पिक्चर को देख के। फिल्म में कई सारे डायलॉग हैं जो आप आपका जो काफ़ी कमाल का है, एक डायलॉग जो बताना चाहें। हमको ये बात समझ आ गया है, ये बात जात का नहीं, बात औरत जात का है। भोजपुरी में कई बड़े बड़े स्टारों के साथ आपने काम किया है और सोलो में भी कई ऐसे गाने हैं जो आपने सुपर डुपर हिट दिया है और ये फिल्म लाए हैं, दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? सभी बड़े कलाकारों के साथ काम करके हमेशा अच्छा लगता है, सबके साथ काम करना पसंद है, सबके साथ काम करती हूँ। मेरे सोलो गाने को भी वो लोग बहुत प्यार देते हैं और उसी प्यार के बेस पर हम ये सिनेमा लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आप प्यार आशीर्वाद देंगे, आपके प्यार आशीर्वाद देने के बाद हमें ऐसे कल्ट सिनेमा या कोई भी अच्छी कॉन्सेप्ट पे काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा, तब हम आपको अच्छी अच्छी सिनेमा लाकर दे सकेंगे। इसके लिए आपके प्यार आशीर्वाद का नीड है हमें, प्लीज़। तो अभी हमारे कैमरे पे मौजूद थे माही श्रीवास्तव जो एल्बम में खूब ज़्यादा पहचान के बाद ये फिल्म लाई है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये फिल्म जाकर सिनेमा घर में देखना चाहिए क्योंकि ये फिल्म जो बनी है जो भोजपुरी में अलग पहचान बनाएगी।